वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में IRCTC रेलवे की तरफ से मैं आपको यहां पे तीन न्यू अपडेट देने वाला हूं और ये तीनों अपडेट आपको एक नई जानकारी प्रदान करेंगे। सो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको यहाँ पर रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहला अपडेट की तरफ। और जो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो फर्जी आईडी बनाकर बेचा जा रहा था रेलवे का ई टिकट, हुआ खुलासा। सो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो ऑनलाइन ई टिकट बुकिंग होता है वो पर्सनल आईडी से बुक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एजेंट लोग सॉफ्टवेयर की मदद से, मैं लगातार आप लोगों को कहते रहता हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ ना करें, फर्जी आईडी आप बना रहे हैं, लोगों को टिकट सेल कर रहे हैं, तो और कोई और धंधा देख लीजिए, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं रेलवे 3-4 महीने में कितने लोगों को पकड़ा, जिसका कुछ आंकड़ा नहीं है। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गुलाम मुस्तफा पकड़ा गया था, लेकिन आज फिर नोएडा में पकड़े गए हैं कुछ लोग और इनके पास से प्रेजेंट टाइम में 76 ई टिकट बरामद हुआ है, 25 फर्जी आईडी बरामद हुई है। और दोस्तों, ये लोग नोएडा के रहने वाले थे, कोई स्टूडियो थी उसके अंदर ये लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे या फिर IRCTC सर्वर को हैक करते थे और जिसकी मदद से ये लोग टिकट बेच रहे थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी पर्सनल आईडी से टिकट बुक कर रहे हैं और आप भी अगर पर्सनल आईडी का टिकट बुक किया हुआ लेके सफ़र कर रहे हैं तो आप पे भी धारा 143 लागू होती है, इसके तहत आप भी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अपराधी माना जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग से यही गुजारिश है कि अगर आप टिकट बेच रहे हैं पर्सनल टिकट तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अगर आप यात्री हैं और आप ई टिकट लेके सफ़र कर रहे हैं तो आप पे भी धारा 143 लागू होगा, जिसके तहत आप भी दंडनीय होंगे। सो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरा अपडेट की तरफ। और दूसरा अपडेट जो निकल के आ रहा है वो IRCTC की तरफ से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो शिरडी के लिए है, और अगर आप बिहार से हैं या फिर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रेन है, अगर आप शिरडी सफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई जगह के आपके दर्शन कराए जाएंगे। दोस्तों, ये गाड़ी 18 फरवरी को रक्सौल से खुलेगी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र और पंडित दीनदयाल, जैसे कि आप जानते होंगे मुगलसराय स्टेशन, और ये इलाहाबाद होते हुए गाड़ी जाएगी, जिसमें उज्जैन, महाकालेश्वर, होशंग द्वारका, कई सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पे आपको इसकी यात्रा कराई जाएगी। दोस्तों, आप इसकी टिकट बुकिंग कर सकते हैं IRCTC के वेबसाइट पे। जो टिकट प्राइस होगा वो होगा 11,340 रुपये, जिसमें यात्रियों को घुमाने के लिए बस होगी, रहने के लिए स्थान दिया जाएगा, होटल दिया जाएगा या फिर धर्मशाला दिया जाएगा, और आपको दो टाइम यहाँ पर आपको वेज यानी शाकाहारी खाना दिया जाएगा। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें टिकट अगर आप कैंसिल करते हैं तो क्या आपको रिफंड मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप टिकट 15 दिन पहले कैंसिल करते हैं तो आपको 100 रुपये का जुर्माना यानी 100 रुपये माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप टिकट 8 से 14 दिन के बीच में कैंसिल कर रहे हैं तो आपको 25% आपका फेयर उसमें से डेबिट किया जाएगा, लेकिन अगर आप 4 से 5 दिन 7 दिन का अंदर अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं 4 से 5 दिन के अंदर में, तो आपका टिकट का कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप भी IRCTC के जरिए शिरडी तक का घूमना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन का टिकट ले सकते हैं, आप इसकी IRCTC के साइट पे बुकिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अगला अपडेट की तरफ। और अगला अपडेट जो निकल के आ रहा है, आज रेलवे ने 530 ट्रेनें कैंसिल की दी हैं, तो यहाँ पर इनकी पूरी लिस्ट दी गई है। सो दोस्तों, अगर आपका टिकट 1 या 2 दिन के अंदर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सी लंबी रूट की भी गाड़ियाँ इसमें इंक्लूड हैं। आप इस न्यूज़ को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5105 है, गोरखपुर एक्सप्रेस है, यहाँ पे देख सकते हैं 5106 है, यानी यहाँ पावर डाउन में दोनों तरफ से कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट नाम बाई नाम बताऊँगा तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसकी न्यूज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहां से फॉलो करने के बाद यहां पे आ सकते हैं। अगर आपका टिकट है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस लिंक पे आने के बाद आप सारी जानकारी ले पाएंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही कुछ अपडेट थे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।